नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस की हार पर बोले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस को सर्जरी की जरूरत। शशि थरूर ने भी पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। चुनावी नतीजों के बाद शिवसेना का बीजेपी पर हमला, मुखपत्र सामना में लिखा, क्षेत्रीय दलों को भी नहीं हरा पाए, क्या यही है अच्छे दिन। सिवान के बाद अब नीतीश के गृह जिले नालंदा में पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी। जेडीयू एमएलसी हीराबेन पर लगा आरोप, लेकिन नेताजी ने साधी चुप्पी। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 32 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तर भारत में गर्मी का कहर, यूपी, राजस्थान और गुजरात में पिछले दो दिनों में गई 2 दर्जन लोगों की जान। राजस्थान के फलोदी में तापमान 51 डिग्री के पार पहुंचा। विमान हादसे पर इजिप्ट के एविएशन मंत्री का बयान, कहा विमान लापता होने के पीछे हो सकती है आतंकी साजिश, अभी तक नहीं मिला विमान का मलबा। आईपीएल 9 में गुजरात लायंस की धमाकेदार जीत, केकेआर को 6 विकेट से दी मात। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।